सम्मानीय सोनी साहब, सम्मानीय मित्रा जी और सभी सम्मानीय डेलीगेट्स साथियों, सबको मेरा प्रणाम। हम सब मिलके इस देश, इस प्रदेश और इस समाज के रक्षक हैं। शरीर के ही नहीं हैं, बुद्धि के भी हैं, संस्कारों के भी हैं, शिक्षा के भी हैं और नए युग में प्रवेश के साथ साथ उन सब जिम्मेदारियों का वहन भी हम करते हैं। मुझे आज सबसे पहले तो सोनी साहब का आभार प्रकट करना चाहिए ज़ोर से कि मेरे जैसे आदमी को आज यहाँ आपने बोलने के लिए बुला लिया कि जिसके पास सिवाय कड़वा और चूंटे भरने के कुछ होता ही नहीं। सचमुच मुझे तो आश्चर्य है, खुशी है, खैर कि याद तो किया और आपने याद करके न केवल मेरा सम्मान बढ़ाया, संस्था का भी मेरा सम्मान बढ़ा, अखबार का भी सम्मान बढ़ा। और हम निश्चित रूप से मैं इसको दोहरा दूं पहले ही कि सच्चाई में कहीं कोई कसर हमारे अखबार में न छूटी है, न छूटेगी, न कोई समझौता कभी आगे भी होगा। और शायद इसीलिए हम बुरे भी लगते हैं, सच्चाई चूँकि कड़वी होती है तो हम जब भी किसी के बारे में खुलकर लिखते हैं तो सब हमसे नाराज़ होते हैं। हो सकता आप में से बहुत लोग समय समय पर नाराज रहे होंगे हमसे कि आज हम पे क्या लिख डाला, पर हमारे पास हमारा खुद का कोई भी उद्देश्य नहीं है। जो कुछ लिख रहे हैं हम, हमारी समझ जो कह रही है वो जनता के हित में लिख रहे हैं। हमारा स्वार्थ कभी नज़र आया आपको किसी भी लाइन में, किसी भी शब्द में, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ, मेरी पूरी टीम आपके सामने हाजिर है। ये नहीं हो सकता कोई सरकार मुझे ये कह दे कि मैं कभी 5 पैसे के लिए किसी सरकार के पास गया हो, संभव नहीं है। सोनी साहब भी जयपुर के कमिश्नर अभी रहे हैं, SP भी रहे हैं, ये सब आपको ये उदाहरण नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने पहली चीज़ ये सीख ली कि अगर मुझे समाज के लिए जीना है, अगर मुझे अपने संकल्प के लिए जीना, मेरा कमिटमेंट तो होना चाहिए ना, उसके बिना नहीं जी सकता मैं किसी के भी लिए। जिसके पास कमिटमेंट नहीं है वो सिर्फ अपने लिए जी सकता है, दूसरे के लिए कभी नहीं जी सकता, ये निश्चित मान लें। और जो खुद के लिए जिएगा वो सर्वाइव नहीं करता, वो किसी के काम नहीं आने वाला और न उसको इतिहास कभी याद रखने वाला, क्योंकि हम पहले इंसान हैं। यही एक चीज़ है जो हम भूल जाते हैं, उसके बाद में चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे संपादक हैं, चाहे व्यापारी हैं या नेता हैं, वो सब बाद में हैं, हम पहले इंसान हैं। हमको भी ये लगना चाहिए कि अगर मैं पुलिस थाने में आया तो मुझे सबसे पहले इंसान मिलना चाहिए, मुझे मदन सिंह मिलना चाहिए, मुझे इंस्पेक्टर नहीं मिलना चाहिए, मुझे थानेदार नहीं मिलना चाहिए। आप देखो परिस्थितियाँ कितनी बदल जाती हैं, जब थानेदार मिलेगा तो डिपार्टमेंट मिल रहा है, पुलिस विभाग मिल रहा है उसको, तो विभाग के हिसाब से कानून की पूरी एक फहरिस्त आपके सामने कर देगा कि भाई मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, कागज़ रख जा, देखेंगे। जब आदमी मिलेगा तो कहेगा तेरी समस्या मैं अभी निपटा देता हूँ, किसी भी थाने की हो वहाँ मैं भेज दूँगा इस समस्या को, आगे से तू भी वहाँ चले जाना, लेकिन अभी मैं तेरा इलाज अभी कर देता हूँ। बहुत अंतर है दोनों बातों में, बहुत बड़ा अंतर है इस बात में। थैंक यू। हमारी तकलीफ क्या हो रही है, धीरे धीरे हम देखें कि ईश्वर ने हमको शरीर दिया, ये तो सही है, आदमी का दिया, बुद्धि भी दी, मन भी दिया, और इन तीनों का उपयोग करने वाला जो बैठा हुआ है वो कहाँ से आया हमको नहीं समझ में आता। हमको ये समझ में आ रहा है कि शरीर तो माँ बाप देते हैं, इस शरीर का उपयोग करने वाला कहाँ से आ रहा है, ये बात भी मुझे लगता है कि हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होनी चाहिए। जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा कि मेरा स्वरूप आत्मा के साथ जुड़ा है, शरीर के साथ नहीं जुड़ा, तब शायद मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत स्पष्टता के साथ समझ सकूं, वरना समझना ही मुश्किल हो जाएगा कि मेरा ज़िंदगी का स्वरूप क्या है,
मेरा कमिटमेंट किसका हो, किसके लिए हो, कुछ भी नहीं समझ में आएगा उसके बिना। क्योंकि शरीर को सुविधा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुविधा भोगी है शरीर, लेकिन आत्मा सुविधा भोगी नहीं है। उसका लक्ष्य पुरुषार्थ के साथ जुड़ा है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ उसका लक्ष्य है। लेकिन जब तक मैं खुद को नहीं याद रखूँगा या याद रखूँगी, तब तक इस शरीर के बाहर मेरा कोई लक्ष्य नहीं दिखेगा। पहली बात हमको ये बहुत समझ लेनी चाहिए, बहुत क्लियर। और कमिटमेंट अगर होगा तो शरीर का नहीं होता कभी भी, शरीर उस कमिटमेंट को पूरा करता है, बुद्धि उस कमिटमेंट को पूरा करती है, मन उस कमिटमेंट को भावनात्मक धरातल के साथ, मिठास के साथ, आत्मीयता के साथ पूरा करता है। लेकिन कमिटमेंट इन तीनों का नहीं होता। आप जब पुलिस में आए, जिस दिन आपने वर्दी पहनी पहले दिन, तो आपका कमिटमेंट शरीर का नहीं था कि ये आज से ये शरीर इंस्पेक्टर बन जाएगा या DYSP जो भी बन जाएगा, नहीं था। इस शरीर ने तो वर्दी पहनी आपके भी आप पे। अब आप कौन है ये आप ही को ढूंढना है कि ये मेरा मैं कौन हूँ और कौन इस वर्दी को धारण, इस संकल्प को पूरा कौन करेगा इस शरीर के माध्यम से, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल जब तक हम नहीं समझेंगे ड्यूटी को, हम मेरे ख्याल से हमारी बहुत बड़ी भेद रेखा काम में और विचारों में बनी रहेगी, और समाज के और मेरे बीच भी वो दूरी, उसके बिना कभी भी पूरी छूट खत्म नहीं होगी, दूरी बनी रहेगी या बढ़ती चली जाएगी। कमिटमेंट को मैं संकल्प ही कहता हूँ हिंदी में। मैं किसी दूसरे के लिए कमिटमेंट नहीं करता हूँ। मैं भारत माता के लिए कोई कमिटमेंट नहीं, मेरा राजस्थान के लिए भी नहीं, धरती पे अगर मेरा कमिटमेंट है तो सिर्फ मेरे लिए, कि मेरी ज़िंदगी में मेरा क्या धर्म है, मेरी क्या ड्यूटी है और मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य नहीं है तो भी मुझे नहीं मालूम मैं क्या काम करूँगा या नहीं करूँगा। यहाँ आना था मुझे, मेरा गोल था यहाँ पहुँचना, तो मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे कौन सी रोड लेनी है। अगर मुझे ये नहीं मालूम होता है कि कहाँ जाना है, तो मैं ऑफिस के बाहर खड़ा होकर कोई भी सड़क शायद नहीं पकड़ पाता। इसको मूल रूप से यहाँ समझना पड़ेगा कि जो कुछ 24 घंटे या जैसे आप कह रहे थे 18 घंटे 16 घंटे हम काम कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, हम अचीव क्या करना चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं उसके मार्फत, क्या वो भी हम साथ में उसका आकलन करते रहेंगे, नहीं तो कहाँ पहुँचेंगे। और रास्ता मुझे मालूम नहीं है तो मेरी यात्रा ही शुरू नहीं हो सकती। तो 100 साल तो पूरे हो जाएंगे, पर जहाँ पैदा हुआ वहीं पूरे हो जाएंगे, ये बड़ी त्रासदी की बात है। तो कमिटमेंट मेरा सबसे पहला होना ही चाहिए ज़िंदगी का एक लक्ष्य, कि मुझे ये बनना है या यहाँ पहुँचना है। अब इसको आप दूसरी तरह से देख लो, कमिटमेंट या इच्छा क्या है, मेरे मन का संकल्प है, इसको मैं बीज कहता हूँ। मेरे मन का एक बीज है जो मैंने रोपा संकल्प के रूप से अपने मन में। और बीज की खासियत क्या है, नंबर एक, आप उस बीज की रक्षा करोगे, उसको संभाल के रखोगे, फ्रिज में रखोगे, रेफ्रिजरेटर में रखोगे, फिर आपको पेड़ कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहली बीज की शर्त यह है कि उसको आपको जमीन में गाड़ना पड़ेगा, ऊपर से मिट्टी से दबाना पड़ेगा, उसको अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ेगा, अस्तित्व का मोह छोड़ना पड़ेगा। अगर वो अपने अस्तित्व का मोह नहीं छोड़ सकता, पेड़ नहीं बनेगा, उसके फल नहीं लगेंगे और वो समाज के काम कभी भी नहीं आएगा। उसी बीज का दूसरा लक्ष्य ये है कि जो कुछ भी लगेगा वो उसका भोग वो खुद नहीं करेगा, वो तो उस पेड़ की छाया भी नहीं लेगा, कौन लेगा उसको नहीं मालूम, यूनानिमस बिल्कुल, उसको कुछ पता नहीं कि इसका कौन फल गाएगा, कौन छाया लेगा, कौन लकड़ियों को काम में लेगा, बीज का उसे लेन देन नहीं है। ये मेरे संकल्प का स्वरूप है। अगर मैंने एक बार संकल्प कर लिया, वो संकल्प मेरे भीतर पेड़ का रूप लेने लग जाएगा, मेरे कर्म के साथ मैं अपने जीवन को तप के स्वरूप में देखूंगा, मेरे को नित्य प्रति निखार मेरे को नजर आएगा जीवन में, तो उस संकल्प से नजर आएगा। तो वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसमें आम भी लगेंगे, रस आएगा, खुशबू आएगी,
गुठली तो नीचे नहीं है, जो बीज मैंने लगाया था वो तो वहाँ नहीं है, कहाँ गया? वो उस पेड़ में आपको चलता हुआ दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, समझ में आएगा कि इस पेड़ में से चल रहा है। अगर नहीं चल रहा होता तो वैसा का वैसा आम नहीं लगता उस पेड़ पे। अगर नहीं चल रहा होता तो वो खुशबू, वो मिठास रस में आती ही नहीं उस आम में। तो ये तो इस बात का प्रमाण है कि वो उसके प्राण चल रहे हैं और वही सारा निर्माण आगे का भी कर रहे हैं। तो कर कौन रहे हैं? इन प्राणों को हम भारतीय दर्शन में कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। ये वो प्राण है जो मेरे शरीर को प्रयोग में, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, ये सबसे बड़ी गलतफहमी हो रही है। मुझे रोज़ लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं कर रहे, हम निमित्त हैं। वो जो माँ बाप के प्राण इस शरीर में बह रहे हैं, वो 24 घंटे मेरे से काम करा रहे हैं इस शरीर से, इसलिए वो देवता है मेरे। देवो भव, देवता कभी दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म होते हैं, प्राण रूप में होते हैं। और फिर तीसरा आचार्य देवो भव, वो मेरे ज्ञान रूप हैं। वो ज्ञान की परिभाषा हमारे किताबों जैसी नहीं है। आज सबसे बड़ी जो भारत में सबसे बड़ी तकलीफ है वो इस ज्ञान की परिभाषा का छूट जाना है। आज स्कूल में हम जाके क्या सीख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि जिंदगी में कोई भी एक लाइन काम आ सकती होगी। घर में जिंदगी में कोई काम पड़ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, संघर्ष करना पड़ जाए, किसी किताब की कोई लाइन आपके काम नहीं आएगी। ये मेरी शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं क्या सीख के निकला, तो क्या सिखाया जा रहा है मेरे को। वहाँ शरीर की शिक्षा मिलेगी, वहाँ बुद्धि की शिक्षा मिलेगी, IQ बढ़ा लेंगे हम, वहाँ मन की शिक्षा नहीं है और आत्मा की शिक्षा भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी के 4 धरातल हैं, उसमें 2 को मैं बहुत बड़ा कर रहा हूँ और 2 मेरे छूटते जा रहे हैं, नीचे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, उनका तो कोई पोषण ही नहीं है वहाँ। तब मेरे को ये बात समझनी है कि मेरा व्यक्तित्व संतुलित बनेगा कैसे। मैं जितना ज़्यादा आगे पढ़ता चला जाऊँ उतना ही तो मैं इम्बेलेंस होता चला जाऊँ। मेरे 2 पहलू बड़े हो गए, दूसरे 2 पहलू छोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी कहीं चर्चा ही नहीं है। और जिंदगी का आधार न शरीर है न बुद्धि है, जिंदगी का आधार है मेरी इच्छा, जिसको पूरी करने के लिए मेरी ज़िंदगी चल रही है। 24 घंटे की मेरी जो क्रियाएं हैं, कर्म हैं, वो उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए, और वो इच्छाएं शरीर और बुद्धि में पैदा ही नहीं होती, वो मन में पैदा होती हैं। मन को भी हम जानते ही नहीं, हमको ये मालूम नहीं मन इंद्रियों का राजा कैसे बनता है, मन की चंचलता का मतलब क्या है, मन जो है चंद्रमा उसका स्वामी है, उसका अर्थ क्या है, मेरे ज़िंदगी में उस मन की भूमिका क्या है, और अगर वो नहीं है तो मैं हूँ या नहीं हूँ, ये भी मुझे नहीं मालूम। और शिक्षा के साथ मेरे ख्याल से किसी को ये भी नहीं आज पढ़ा रहे हम कि जयपुर ज़िले में कोई पढ़ रहा है तो जयपुर ज़िले का भूगोल नहीं मालूम उसको, कि जयपुर ज़िले का भूगोल क्या है, जयपुर ज़िले का इतिहास, पिछले 100 साल का इतिहास भी कोई नहीं पढ़ाता उसको। तो वो बच्चा किस वजह से इस धरती से जुड़ेगा, इस धरती, ये धरती उसकी पहचान कैसे बन सकती है? उसको आप बम्बई पढ़ा दो, सिंगापुर पढ़ा दो, अमेरिका पढ़ा दो, कोई अंतर नहीं है, वहाँ भी ज्योग्राफी इतिहास कोई कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। तो बड़ा हो गया कैसे कहेगा कि भाई मैं तो उस जयपुर से आया हूँ, नहीं कह पाएगा। हमको ये साइड भी इसमें से देखनी चाहिए, उसको माटी से जोड़ ही नहीं पा रहे। जिस तेज़ी से मेरा समाज बदल रहा है, मुझे भी उस तेज़ी से बदलना पड़ेगा अगर मुझे इस समाज के साथ चलना है तो। ये मेरी ज़रूरत है, चाहे मैं कोई भी काम करूँ। पहले व्यक्तित्व विकास में माँ का, पिताजी का बहुत बड़ा रोल था, और बल्कि पड़ोसियों का भी रोल था, मोहल्ले वालों का भी रोल था। आज मुझे किसी घर में कोई माँ बाप बच्चे के लिए आधा घंटा देते हुए दिखाई नहीं देते, कोई माँ बाप नहीं दिखाई देते। और अगर माँ बाप अगर नहीं दिखाई देंगे दुनिया में और कौन दिखाई दे सकता है, ये दूसरा सवाल है। तो फिर वो पढ़ाई कराने जो टीचर आ रहा है, जो शिक्षक आपको पढ़ाने बच्चों को आएगा, वो क्यों देगा इतना टाइम? उसको तो पढ़ा है आदमी, है तनख्वाह के लिए काम कर रहा है,
उसको समझना पड़ेगा। वो उस तब उसके व्यक्तित्व निर्माण कहाँ गया? तीसरा हमारा आधार परंपरा में था, वो धर्म था। सारे लोग उठ के सुबह सुबह धार्मिक ग्रंथों का पारायण करते थे, पढ़ते थे, मानते थे या नहीं मानते थे वो सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं, परंपरा की बात है कि मेरे व्यक्तित्व के निर्माण को हम कैसे देख रहे हैं पिछली पीढ़ियों से। आज वो तीनों चीज़ें गायब हैं। जिस समाज को अब आप हैंडल कर रहे हो उसमें ये तीनों ही चीज़ें नहीं हैं। न माँ बाप मिलेंगे आपको पढ़ाई कराते हुए, न टीचर कोई किताब या मूल्यों की शिक्षा देता हुआ नजर आए, न कोई धर्म ग्रंथ, और बल्कि साधु संतों की तो खबरें पढ़ के शायद हमारा खुद का कई बार सर नीचा हो जाता। तो वो तीनों परंपरागत जो मार्ग थे बंद हो गए। उसकी जगह क्या आया? आज के बच्चे किस के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, ये अगर हम समझ लेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याओं को समझने में और उनकी मानसिकता को मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज का बच्चा सबसे पहले सिनेमा और टीवी पे आश्रित हो गया, इंटरनेट पर आश्रित हो गया, मोबाइल फोन पर आश्रित हो गया और अपनी मित्र मंडली पर आश्रित हो गया। बस ये उसके व्यक्तित्व के निर्माण का कैनवास, उसके बियॉन्ड नहीं है। आप शाम को भी जब गश्त पे लोग जाते हैं तो पता लगता होगा ना, यहाँ पांच आदमी एक कोने में शाम को खड़े हैं, कार के ऊपर बियर पी रहे हैं, पर वो पांच आदमी हैं, वो 365 दिन साथ रहने वाले पांच आदमी, आप उसको यूँ आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत आराम से। ऐसा नहीं है कि आज दो उसमें से गायब है या परसों अकेला कोई खड़ा है, नहीं खड़ा है। ये जो नया ट्रेंड हमारा व्यक्तित्व निर्माण का खड़ा आज आया है, समाज में उपलब्ध है, उसके दो नुकसान हो गए। एक तो वो समाज से कट गया, एंटी सोशल तो वो हुआ कंपनी के साथ रह करके, पर सबसे पहले घर में वो समाज से कट गया। आज मेरे घर में मेहमान आ जाए या मेरे चाचा जी मामा जी कोई मिलने आ जाए, वो तो ऊपर बैठा हुआ नीचे नहीं आएगा, और माँ बाप कहेंगे मैं भी छुपाऊंगा उसकी गलती, यार उसके कल टेस्ट चल रहे हैं आजकल, रहने दो कोई बात नहीं लो। अब इसको हम समझें तो ज़िंदगी की जो सारी तकलीफें हैं, बल्कि मैं तो इसको विभत्सता कहता हूँ कि ये यहाँ घर में इस तरफ मूर्ति जा रही है और कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। और वो बच्चा अगर कमरे में इंटरनेट पे बैठ करके अपना काम कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन एक मानसिकता उसके साथ बन गई और बनी रहेगी उम्र भर कि वो अपने अलावा किसी की भी नहीं सोचेगा। उस इंटरनेट पे जितनी साइट खोलता है, जितनी इन्फॉर्मेशन ढूंढता है या ढूंढती है, वो सिर्फ उसके खुद के मतलब की ही होगी। वो समाज से, घर में, रिश्तेदारों से, भाई बहन, किसी की भी उसको परवाह नहीं है कि उनके मतलब की कोई जानकारी उसमें से ढूंढेगा। अकेला जीना सीख गया, और ये आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये अकेलापन है हर आदमी का, जिसके अंदर फिर दूसरे आपराधिक प्रवृत्तियाँ अन्य कारणों से पैदा हो रही है उसको भी। मैं तो ज़्यादा जानते हैं आप लोग, मैं कानून वानून की बात करने सचमुच नहीं आया, मैं कहना इतना सा चाह रहा हूँ जो परिवर्तन हमारे सामने आ रहा है उसमें हम उसको बारीकी से समझें। क्या हम माँ बाप को तैयार नहीं कर सकते? आप सबके पास में आज की तारीख में कम्युनिटी का इक्वलाइजेशन ग्रुप सब ने बना रखे हैं, हर वार्ड में, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बहुत लोग जुड़े हुए हैं उसके अंदर। कौन सी गली ऐसी होगी जिसकी जानकारी आपके पास नहीं आ सकती? मैं तो नहीं मानता कि कुछ भी असंभव है। सारी इन्फॉर्मेशन डे टू डे और आवरली बेसिस पे भी आपको समझ में आ जाएगी कि इस वक्त कहाँ कौन क्या खड़े होकर कर रहे हैं, मिल जाएगा आराम से मिल जाएगा। प्रश्न ये है कि क्या मेरा गोल है ये देखना कि मेरे इलाके में तो एक भी बदमाश यूं सड़क पे खड़ा होकर स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता। वो कमिटमेंट छूटा हुआ मेरा, उसके बिना मैं
सीएलजी के मेंबर्स को भी दबाव नहीं डाला गया, तुमको 3 महीने हो गए आज तक किसी का नाम ही नहीं लिया, किसी कोई शिकायत ही मेरे को नहीं करी, कोई रिपोर्ट ही मेरे पास नहीं आई, तब इसका मतलब है वो भी झूठ बोल रहा है आपके साथ रह करके। कोई काम होगा उसका भी निकलवा लिया और काम खत्म है, लेकिन उसको समाज के प्रति कोई जवाबदारी का एहसास नहीं दिख रहा है। अभी आप 2 दिन से मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी, परसों हमारे एक अखबार में हमने हमारी लेडीज जो रिपोर्टर्स हैं उनको थोड़े वो वीडियो कैमरा दिए, उनके एक चक्कर लगाया 5-7-10 जगह, और जो भी छेड़खानी करने वाले आते हैं फोटो अपने आप उस कैमरे ले आना, हमने अखबार में उनकी फ़ोटो अगले दिन छाप दी किस किस इलाके में कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे थे। उसके एक दिन बाद पुलिस वालों ने भी उस कोशिश की कि हमको भी ये काम करना चाहिए। हम तो अब सोच रहे हैं कि इस काम को निरंतर कर देना चाहिए, और सब जिस दिन लोग और अखबारों की चिंता नहीं है, अखबार में छपे या नहीं छपे, उस मोहल्ले में उस वार्ड में ही एक बोर्ड बना दो और वहाँ चिपका दो कल शाम को कौन कहाँ क्या कर रहे थे। मेरी शर्त है 7 दिन के बाद एक आदमी सड़क पर ऐसा नहीं नज़र आएगा, आसानी से तो नज़र नहीं आने वाला है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप बस के कंडक्टर्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग लो, सबकी एक मीटिंग करो, उनसे बात करो, इंटरेक्शन करो कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हारी चलती हुई बस में तुम्हारे रहते हुए एक भी दुर्घटना नहीं हो सकती, और कोई आदमी लड़का किसी लड़की की या महिला की सीट पर नहीं बैठ सकता। मेरी शर्त है कि कोई मना कर दे या इनकार कर दे या उसका परिणाम नहीं आए, संभव नहीं है। आज हमको अफसोस क्या है इसी बात का तो है कि हमारे पास साधनों की कोई कमी नहीं। ये सही है कि गुंडों के पास साधन हमेशा ज़्यादा होते, जितना अपराधी होते हैवी चुल जो है उनके पास ज़्यादा साधन होते हैं उनकी, और उनको आता है, वो सारे दिन अपने प्लॉट करने में बनाने में लगे रहते, पर ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास उनकी कमी है। प्रश्न ये है कि उनका जो कमिटमेंट क्राइम के प्रति है उससे बड़ा कमिटमेंट हमारा होना पड़ेगा सुरक्षा के प्रति, इसको समझना पड़ेगा असली बात कि मेरा कमिटमेंट उनके कमिटमेंट से बड़ा भारी होना पड़ेगा, और वहीं हम पीछे रह जाते। क्यों रह जाते मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं मानता। आज भी जो 20 साल पहले पुलिस की स्थिति थी आज तो उससे बहुत अच्छी हो गई है, पर कोई आदमी आज भी अगर ये कह दे जनता में ये छवि बन जाए कि पुलिस वाले तो अपराधियों के साथ जुड़ गए, अफसरों के साथ जुड़ गए, नेताओं के साथ जुड़ गए, तो यार इतना बड़ा अपमान मेरे 24 घंटे के कर्म का कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। मेरे को तो सहन ही नहीं हो सकता अगर कोई ऐसा कह दे तो। मुझे लगता है हमें इस पर नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि कहाँ ऐसी चूक हो रही है कि पूरे दिन काम करने के बाद छवि मेरी नहीं बदल रही है, बल्कि आगे से आगे बिगड़ रही है। क्यों बिगड़ रही है, इस पर विचार तो ज़रूर होना ही चाहिए। एक चीज़ में और इसी बदलते हुए देश के बारे में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और वो है हमारी माँ की भूमिका। दुनिया का कोई देश हो, दुनिया की कोई सभ्यता हो, कोई लड़का हो लड़की हो, सारे संस्कार माँ से आते हैं। पिताजी संस्कार जनरली नहीं दिया करते, वो व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, समाज का ज्ञान देते हैं, व्यापार का ज्ञान देते होंगे, जिंदगी को कैसे आदान प्रदान के साथ खड़ा किया जाता है, लेकिन संस्कार माँ देती है। उस माँ को वापस कैसे जिंदा किया जाए मुझे नहीं पता, पर जब तक वो माँ जिंदा नहीं होगी हमारे समाज के संस्कार तो फिर से तैयार नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या हुआ, क्यों इतना ज़ोर से मैं बात कह रहा हूँ, आज की पढ़ाई केवल हमको कैरियर की तरफ ले जा रही है, मोटी बात समझ ले हम। पार्टन ना फेल नहीं हो रहे, पर आप पास भी हो जाओ, बीए एमए कुछ भी कर लो, करना तो नौकरी पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके पास ऑप्शन तो कुछ नहीं है, वो सारी शिक्षा पूरे माँ बाप की कमाई मेरी उम्र के 25 साल मैंने लगा दिए, और उसके बाद करना तो नौकरी पड़ेगा ना, रहूँगा तो पराधीन होके। स्वतंत्र रह के सोचना नहीं सिखाया मुझे कभी, अपने पाँव पर जिंदगी अपने बूते पर जीना नहीं सिखाया कभी शिक्षा ने। इसको आप वहाँ समझेंगे बात को अगर समझ में आएगी तो, नहीं तो आएगी कैसे। मैंने तो जो कुछ मेरे घर में था सब दाव पे लगा दिया,
और सिखा मुझे कैरियर। उसके अब कैरियर का मतलब ही नहीं समझ में आया मुझे कि हम कैरियर को क्या मान के चलते हैं। हर आदमी की ज़रूरत है कि उसकी अच्छी इनकम हो ताकि वो अपना व्यक्तित्व का निर्माण करे, अपने परिवार का पोषण कर ले और अपने छोटे मोटे जो भी भगवान ने उसको सपने देखने की शक्ति दी है उन सपनों को पूरा कर सके। आज क्या हो गया, उल्टा हो गया, सब चीज़ गायब हो गई। मैं संपादक हूँ तो मेरी जो तनख्वाह है वो मेरे घर के और मेरे अपने खुद के विकास में काम आनी चाहिए, वो कहाँ आ रही है? क्यों? क्योंकि मैं दफ्तर से बाहर भी जब निकलता हूँ तो संपादक बन के निकलता हूँ। मेरे इस कैरियर में गुलाब कोठारी खो गया, संपादक रह गया, थानेदार रह गया, एसपी रह गया। घर पे जाएगा तो बीवी से एसपी बात कर रहे हैं, एक आदमी मोबाइल फ़ोन है उनके ठहर यार भी बात कर जरूरी, बच्चा बात करेगा तो एसपी बात कर रहा है उससे, पिताजी गायब है। इतनी बड़ी त्रासदी से हम गुजर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को इससे बड़ी सज़ा मुझे कौन देगा? मुझे आज तक ये बात ही समझ में नहीं आई कि हम इतनी बड़ी सज़ा काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और वो हमको पता ही नहीं है। सोचने का भी इस बात पर गहराई से कि मैंने नौकरी ज्वाइन किस लिए की तो मुझे समझ में आएगा कि 24 घंटे मेरी आइडेंटिटी अगर नौकर की बन गई तो मैंने ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया, अपनी पहचान भी खो दी और जो ईश्वर ने मुझे समझ ज्ञान बुद्धि प्रारब्ध जो भी देकर पैदा किया था वो भी सब मैंने खो दिया। मैं हूँ ही नहीं वहाँ, समझे हम इस बात को। ये मेरी शिक्षा का परिणाम है कि मेरे को बाकी मेरे अपने बारे में देखने भुला दिया उसने। बाहरी बार दौड़ रहा हूँ, बाहरी बार दौड़ रहा हूँ और जो ला रहा हूँ मेरे काम नहीं आ रहा। मुझे आज ये याद नहीं है 10 साल पहले मैं किस दुकान पे जाके कौन सी चीज़ खरीदने के लिए लड़ रहा था दुकानदार से, किस चीज़ को खरीदने के लिए मैं हम दोनों ने मिलके 2 महीने 3 महीने 6 महीने पैसे इकट्ठे किए होंगे और क्या खरीद के लाए, वो आज कहाँ है मुझे ये भी नहीं मालूम। प्रश्न है हम जिंदगी के उन वास्तविकताओं को भूल बैठे, क्योंकि हम खुद को भूल बैठे। तो मुझे ये विषय ऐसे हैं जिनका कोई एंड नहीं है, सही बताऊं आपको, पर अपनी बात पूरी करने से पहले एक बात जरूर आप लोगों से अनुरोध की तरह से प्रार्थना की तरह से कहना चाहता हूं। हमारे देश में शब्द को ब्रह्म माना है और इस बात को आप जरूर गांठ बांध लें कि आपके मुंह से जो निकलेगा वो ब्रह्म के जैसा पवित्र वाक्य निकलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। किसी भी अवसर पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रवाह में हल्का शब्द नहीं निकलेगा आपके मुंह से। किसी के भी सामने खड़े हों, मजाक भी कर रहे हों तो भी नहीं निकलेगा। हम इतना बड़ा अपमान अपने बैठे अंदर जो बैठा ईश्वर है उसका हम इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं जिसका हम उसको चुनौती नहीं दे सकते। वो जब हमको सजा देगा तो शायद हम सहन नहीं कर पाएंगे। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, साफ पानी की एक बोतल लें, उसको एक कमरे में बंद कर दें, एक और बोतल लेके दूसरे कमरे में बंद कर दें। एक बोतल के सामने रोज 10 मिनट आप जाके प्रार्थना करो, जो अच्छी भाषा आपको आती है उसका प्रयोग करो। दूसरी बोतल के सामने ठीक उल्टा करो, जो कुछ भी आता आपको याद है उसको वहाँ संभाल दो। अब देखो थोड़े दिन बाद क्या होता है। इस बोतल के सामने दरवाज़ा खोलते ही खुशबू आने लग जाएगी, दरवाजा कमरे में से खुशबू आने लग जाएगी, पानी हल्का सा पीला केसरिया जैसा रंग उसमें आने लग जाएगा। इस कमरे को जब खोलेंगे तो सड़ांद आने लग जाएगी। हो सकता है आपको थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं हो, बंद करना पड़े, पानी ऐसा काला मटमैला हो जाएगा। शब्द की ताकत को हम यहाँ समझ सकते हैं। हम जो किसी भी को छुआ कुछ नहीं है, केवल मेरे स्पंदन वाइब्रेशन में साउंड के जो गए, मेरी भावनाओं के जो इधर प्रार्थना अगर थी तो मेरे भाव भी बहुत पवित्र थे, आत्मीयता के साथ बोला जो बोला। वहाँ मेरी आत्मीयता नहीं थी, वहाँ भावनाओं में वासनाएँ थी। तो वासनाएँ गिरावट का सबसे बड़ा कारण है इस धरती के ऊपर, क्योंकि ये सब चीज़ें जड़ है, लक्ष्मी जड़ है। मैं चेतन हूँ,
अगर मेरी चेतना जड़ के पीछे भागेगी तो मेरी चेतना भी जड़ हो जाएगी। इसलिए मेरी सार्थकता तो इसमें कि चेतना आगे चले और जड़ मेरे पीछे पीछे चलता हुआ दिखाई पड़े। पर शब्द की इस शक्ति को अगर आप समझें तो आप एक बात समझना, साइंस की तरह से ही मान लो, मेरे शरीर में 70% पानी है, ये तो सही है ना। और अगर मेरी भाषा खराब है, दूषित है, तो सबसे पहले मेरे खून में सड़ांध आएगी, और किसी सुनने वाले के आए या नहीं आए वो बात की बात है। मैं अपने रक्त को दूषित कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इसको गांठ बांध लेना आप। और वही सबसे बड़ा रोगों को निमंत्रण देने का काम है, क्योंकि इस तरह के रोगों के इलाज डॉक्टर के पास नहीं मिलते। ये वापस जब भी ठीक होगा रोग, जब आपकी भावनाएं फिर से शुद्ध होंगी, उस रक्त के उसको उसका परिष्कार कर पाएंगी, तभी रोग मुक्त होंगे आप, वरना दवाइयों से नहीं होंगे। हम इनको इनक्योरेबल डिजीजेज इसीलिए कहते हैं कि ये भावनाओं से जुड़ी है, मन की भी परे की बात है। तो आत्मीयता का धरातल, इसको अगर हम धीरे 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 समझना शुरू कर दें, यही तो कह रहा हूँ, माँ ने संस्कार अब नहीं दिया। आज किसी को कोई कह दो कभी अभिमन्यु पैदा होता, देखता सुनते हैं कहीं खबर, माँ में तो इतनी ताकत है कि जो चाहे वो पैदा कर सकती है, दूसरा तो नहीं कर सकता है धरती पे, कोई साइंस नहीं कर सकती, कोई गुरु नहीं कर सकता, जो माँ कर सकती है। वो उसको पता है कि जो जीव आया मेरे घर में आ रहा है वो किस शरीर को छोड़ कर आ रहा है, उस शरीर को जिसको उसने छोड़ा, उसके संस्कारों को माँ अपने पास रहते रहते ठीक करके उसको आदमी बनाती है। ये माँ की गुरुत्ता यहाँ समझ में आएगी। संसार के हवाले करने से पहले उसको इंसान बनाएगी, इंसान के शरीर में इंसान बना के संसार को, समाज को देती है वो। आज ये काम माँ ने छोड़ दिया। आज माँ को नहीं पता लगता कि मेरे कौन से देवता अवतरण लेने वाले हैं इस परिवार में, माँ को कुछ नहीं पता आज इसका। बल्कि एक नुकसान और हो गया उसके साथ साथ, बुरा नहीं माना कुछ लोग, मैं कुछ बात यथार्थ है पर मीठी नहीं है, बस ये मतलब। और मैं तो आदत कड़वी बोलने का भी हूँ, पर ये कहना जरूर चाहता हूँ कि इसके बिना हमको ज़िंदगी के बहुत सारे रास्ते दिखेंगे ही नहीं ऊपर जाने के। ये मतलब है, ठीक है रूटीन में सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, और ज़िंदगी सब ने जैसी आप पूरी कर रहे हैं मैं भी पूरी कर रहा हूँ, उसका कोई अर्थ नहीं रहा। पर समझें इस बात को कि इस पढ़ाई ने मेरे घर में एक चीज़ लाई, नया वातावरण बना दिया कि मेरे घर में लड़की और लड़का दोनों बराबर हैं, कोई भेद नहीं है। देखो ये एक मिथ बन गई है, और आप किसी से कह के देख लो तो कहते इसमें गलती क्या है, वो तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा अगर आपने इधर उधर कोई दूसरी बात दोबारा बोली तो, तब तक तो आपका तिया माचा कर बैठेगा वो तो। अरे भाई इसको समझो तो सही, बराबरी का अर्थ क्या है। जो आप लड़के को नहीं सिखा रहे वो आप लड़की को भी नहीं सिखा रहे, बस यही बराबरी है। ये घर में भी यही बराबरी है, महिला कॉलेज में भी यही बराबरी है, महिला यूनिवर्सिटी में जाओ तो भी यही बराबरी है कि जो लड़कों को नहीं पढ़ाते वो लड़कियों को भी मुझे नहीं पढ़ाना। ये क्या बराबरी हुई? बराबरी होती है अवसर की, बराबरी होती है स्वतंत्रता की, बराबरी होती है सम्मान की, अपॉर्चुनिटीज़ की, ये तो बराबरी नहीं है। आपको जिस जीवन क्षेत्र में दोनों को जाना है उसके लिए तो तैयार करके रखना ही पड़ेगा ना। माँ को आज ये ज़रूरत नहीं लगती कि वो अपनी बच्ची को तैयार करके अगले घर भेजे, ये सबसे बड़ी जो आज नुकसान की बात हो गई वो इतनी बड़ी हो गई। उसका तो उसको कुछ पता नहीं है अच्छी स्त्री का मतलब क्या है, हिंदुस्तान में अच्छी पत्नी का मतलब क्या है, अच्छी माँ का मतलब क्या है, छोटे बच्चों को कैसे रखा जाएगा, कैसे गर्भावस्था अवस्था में किस किस तरह की समस्याओं से पाला पड़ेगा, कुछ नहीं समझ में आता। तो पराधीन तो आपने वहीं कर दिया उसको कि जरा सी छींक आएगी तो डॉक्टर के यहाँ पहुँच जानी। आप इसको समझें बात को, मेरी ज़िंदगी को मैं खुद को कितना पराधीन करना शुरू कर दिया, और उसको तैयारी नहीं करके भेजा तो वो जा कर के ज़िंदगी में उस माँ समर में क्या कर क्या सकती है, कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आप उसके पास को हथियार ही नहीं दिया आपने तो उसको। मैं उस माँ को अपनी बच्ची का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ,
कि आप उसको अंधेरे में धक्का दे के घर से बाहर निकाल लो, जा तुम अपनी तकदीर है तुम्हारी, जो तुमको सही लगे करो, जियो भोगो। ये क्या माँ बाप हुए और ये क्या एजुकेशन हुई? उसके दुष्प्रभाव अब दूसरे जो रोज शाम को आप जो रोज देख रहे हो ना, जिसकी वजह से आपको भी बुरा बनना पड़ रहा, शाम को सब आपको लड़के लड़की दूर से देखो तो सब एक जैसे मिलेंगे, नज़दीक जाने से शायद आपको फ़र्क लगेगा कि हाँ भाई दोनों अलग अलग हैं। क्यों? उसको समझना पड़ेगा, लड़का नहीं बदल रहा है लेकिन लड़की लड़के की नकल करने के लिए उतावली। और ये आप सबका अनुभव होगा, मेरा अकेले का नहीं है, ये सबका अनुभव होगा। ये मेरे इस समाज की दुरावस्था का मूल कारण ये है कि अगर लड़की को ईश्वर ने लड़की बनाया और आप लड़की बनने को तैयार नहीं हो, लड़कियों के गुण ग्रहण करने को तैयार नहीं हो, उनकी विशेषता को सीखने को भी तैयार नहीं हो, तो आपको उसकी दुर्गति तो भोगनी पड़ेगी। आप कैसे बच सकते हो उससे? और आप लड़का बन नहीं सकते और लड़की बनने को के लिए आपने कुछ सीखा नहीं। तो आप देखिए कितना बड़ा संतुलन मेरे नई पीढ़ी के समाज में बिगड़ गया। और ये एक तरफा हो रहा है, अगर वो भी लड़के बन गए, लड़कियाँ लड़के पहले ही लड़के हैं, तो संतुलन कहाँ जा रहा है, इसको समझना पड़ेगा। और जो लड़कों की स्वतंत्रता आप भोगना चाह रहे हो, उसके लिए सहारा किन किन चीज़ों का ले रहे हो, वो मेरे ख्याल से हमने संडे के अखबार में खूब छाप दिया है, आप सबने खूब पढ़ा होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लड़कियाँ शादी से पहले सब गर्भ निरोधक पर शिफ्ट हो गए। 10-10 साल पहले शादी के लिए तो हाँ ही नहीं भरते बच्चे, सब इधर शिफ्ट हो गए। और शादी होने के टाइम 10 साल 15 साल के बीच में उनके किसी के भी खून में शरीर के अंदर रोधक क्षमता खत्म हो चुकी होती है, रहती नहीं है। कभी इस बात को, इस त्रासदी को समझे। रोना आता मुझे इस बात को जब भी मैं कभी विजुलाइज करके देखता हूँ, तो आप शादी कौन कर रहा है इसको तो समझो, उसके बच्चे क्या होंगे, बच्चे भी तो इसी तरह से सब कैंसर पेशेंट हो जाएंगे। परसों एक खबर थी हिंदुस्तान में ऑलरेडी 14 साल से छोटे 80,000 बच्चे कैंसर पेशेंट हो चुके हैं, अगले 5 साल में 8 लाख से ऊपर होंगे, ये मैं आपको आज कह देता हूँ। मेरे घर में एक एक आदमी, हर घर के अंदर ये नज़ारा देखने को मिलेगा मुझे। वहाँ से अगर आप कहीं बच के चले गए तो ये पेस्टिसाइड मार देगा आपको, अनाज के अंदर भी पेस्टिसाइड है, ग्रह तो आपके फ्रूट खाओ फल जो भी खा रहे हो आप सब में पेस्टिसाइड आ रहा है। ज़मीन की सड़क के ऊपर आप मिट्टी को उठा के देखो तो उसमें टेस्ट कराओ पेस्टिसाइड आ रहा है। नया नया बच्चा पैदा होते ही जो पहला घूंट पी रहा है उसमें वो पेस्टिसाइड पी रहा है, उसकी रक्षक क्षमता का क्या होगा, कहाँ जाएगी, क्या बोलेगी वो? तो या तो आप पैदा होने से पहले मर जाओ, और पैदा हो गए तो ऐसे मर जाओगे, तब आपको जो है केमिकल फर्टिलाइजर भी पड़े हैं, आपके प्रिजर्वेटर्स भी पड़े हैं आपके पास, ये जो आपके इम्प्रूव्ड सीड्स जो भी आप कह रहे हैं वो भी रखे हुए हैं, ये सब इस मानव सभ्यता को आसानी से जीने नहीं देंगे। हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार है, ये मैं बताऊँ आपको, ये जो रक्षा का भार हम चल रहे हैं, हमको पहले सभ्यता को जिस तरफ ये जा रही है सबसे पहले वहाँ कहीं ना कहीं मन में इनके डर बिठाना पड़ेगा। भाई भी न हो तो न प्रीत, माँ बाप का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा, अध्यापकों का डर नहीं रहा, इसलिए भी एक कारण है कि अपराध बढ़ गए। उसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, उनको अपन यहाँ चर्चा काय को करते हैं। कानून की भी कारण है, उसमें भी कई गलियाँ हैं, कोर्ट्स की भी अपनी कई एक मानसिकताएँ हैं, वो भी साथ काम आ रही हैं। हम सब रोज को देखते हैं, अगर मैं शायद चाहूँ तो मैं भी इतना बड़ा पुलंदा रख सकता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं। मुझे समझना है इंसान को, समझना है वर्दी को, समझने की ज़रूरत नहीं, कानून को समझने की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले इंसान, सबसे पहले मैं खुद को समझूँ इंसान की तरह से, तब मुझे समाज अपने आप ही दूसरा दिखने लग जाएगा, फिर वो भी उसको भी मैं इंसान की तरह देखूंगा, फिर मैं ऊपर वाले को अफसर नहीं देखूंगा, पहले उसको भी इंसान देखूंगा कि आज वो नाराज़ हुआ तो उसके पीछे कोई जेन्युइन कारण होगा। जब इंसान की तरह देखूंगा तो हर चीज़ अलग तरह से दिखाई देने लगेगी, और मेरे मन में भी एक आस्था इंसानियत के प्रति जागृत होगी, और शायद तब मेरा कमिटमेंट, इंसान की हैसियत से मेरा कमिटमेंट
इस संपूर्ण इंसानियत के लिए होगा। फिर मेरा जो संकल्प है वो बीज का रूप लेकर अपने अस्तित्व को छोड़कर समाज को समर्पित हो जाएगा। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत आभार, और सबको फिर एक बार मेरा प्रणाम।